वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप सभी का जो है वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि जो रशिया में जो है अभी जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे क्या है फिलहाल, जो ये मंथ जो है वो मई का चल रहा है। तो मैं बताता हूँ जो स्टूडेंट आते हैं उनके एक्सपेंसेस वगैरह कैसे क्या यहाँ पे रहते हैं, तो सारे कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखना और बड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो रहने वाली है। जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो मैं बताता हूँ, बाकी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे क्या अभी आसपास का माहौल है रशिया का। तो चलो फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ वेदर है, और अभी मतलब ठंड तो है लेकिन इतनी भी नहीं है, मतलब अच्छा वेदर है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी मैं दोस्त के साथ आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे और ये देखो ये गाड़ी दिखाता हूँ मैं जो बिना ड्राइवर के चलती है। एक सेकेंड रुको, ये देखो ये गाड़ी है जो बिना ड्राइवर के चलती है, ऐसे ही घूमती रहती है यहाँ पे। तो जो वेदर वगैरह काफ़ी सही है, और ये देखो नेक्स्ट लेवल भाई, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। तो ये ऐसे चलती रहेगी, इसके बाद थोड़ी देर में वो देखो सामने दूसरी आ रही है, तो दूसरी आ जाएगी यहाँ पे। सो देखो अभी बात करते हैं कि जो भी मतलब जो स्टूडेंट आ रहे हैं अभी नए, तो मैं बात करता हूँ उसका एक्सपेंसिस वगैरह कैसे क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो हॉस्टल के प्राइस है ना अभी रशिया में, तो जो वो आपको मिलेंगे वो पर मंथ के हिसाब से मतलब 12,000-11,000, और लगभग आपके इतने मान के चलो, मतलब आपका 12,000 आपका मान के चलो हॉस्टल में। अब हॉस्टल का मैंने बता दिया रेंट 12,000। अब हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी वगैरह मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो फैसिलिटी वगैरह मिलेगी ना आपको, तो वो मिलेगी आपको जो है वहाँ पे बिजली का उसमें इंक्लूड होगा, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इंक्लूड है इसमें, और अपना जो साफ़ सफाई का है वो इंक्लूड, वाईफाई का भी इंक्लूड होता है, और आपको जो ब्लैंकेट, हाँ कई भाई पूछते हैं मेरे से कि भाई चादर वगैरह लेके आए इंडिया से, कंबल वगैरह। तो देखो बात ऐसी है, हॉस्टल वगैरह में आपको मिलेंगी, और जो है हॉस्टल वगैरह में देते हैं वो ब्लैंकेट भी देते हैं, और जो है वो चादर वगैरह भी देते हैं, और अंदर जो मतलब पिलो वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हॉस्टल का। बाकी आपको जो बर्तन वगैरह हैं वो मिल जाते हैं, आप बना सकते हो खाना वगैरह, लेकिन आप ला सकते हो तो ले आओ, एडवांटेज ही आपके पास। तो ये हॉस्टल का रह गया कि भाई चलो आपका ये हो गया, इसमें 12,000 में आपका इंक्लूड होगा, खाना आपका रहेगा, बाकी जो सारी फैसिलिटी है वो हॉस्टल की तरफ से रहेंगी, गर्म पानी की केतली जो भी आपको बनाना है, स्टोव्स वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, वो हॉस्टल में रहते हैं, वो आप उसमें रख सकते हो और खा सकते हो, ठीक है। ये तो हॉस्टल का रह गया अपना। तो अब देखो अब बात करते हैं सेकेंड वन की, सो जो दूसरा है उसकी बात करते हैं। सेकेंड वन जो मेन हमारा जो खर्चा आता है वो आता है खाने पे। तो देखो खाने का मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी बजट में जैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो कोशिश करो जितना उसके उतना हॉस्टल में बनाओ। आप ऐसे दाल वगैरह भी मिलती है यहाँ पे, चावल भी मिलते हैं, आटा ला के रख लो, और उसमें आटा सस्ता मिलता, मतलब इंडिया जैसा ही प्राइस है यहाँ पे, तो मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं आटा वगैरह, तो वो भी आप ला के रख सकते हो यहाँ पे, तो वो भी आपके चीप पड़ेगा। मतलब खाने पीने का आप आटा और सब्ज़ी वगैरह लाते हो तो मतलब 5-6 हज़ार रुपये उसका और मान के चलो, तो ये मान के चलो आपका 7 मान लो, मतलब 8 मैक्सिमम भाई, 8 में आप मतलब थोड़ा बहुत बाहर भी खा लोगे और वो भी कर लोगे, तो टोटल 20 तो हो गया यहाँ पे अपना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कार्ड वगैरह बनाते हो आपका, ट्रेन कार्ड, मेट्रो वगैरह का, जो टॉर्च का कार्ड बनता है यहाँ पे, तो वो बात करते हैं। देखो मेरे पीछे आवाज़ आ रही है क्योंकि लोग झूले वगैरह झूल रहे हैं यहाँ पे, तो वो है। अब आगे बात करते हैं, देखो जो मेट्रो का कार्ड है वो मैं बताता हूँ। तो उसके बाद जो मेजर एक्सपेंस आता है वो आपका आता है मेट्रो कार्ड का, ट्रांसपोर्ट कार्ड का, वो यहाँ पे 2700 रुपए में वो बनता है, ठीक है, 3,000 में वो, 1,000 रुपये पर आपका मोबाइल रिचार्ज, ठीक है, और 1,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा मान के चलो इधर उधर में यूज़ हो गए, तो टोटल यहाँ पे अपना हो गया 25,000 बजट। तो मैं इतना बताता हूँ कि आपका 25,000 में आपका रहने का खाने का जो है वो हो जाएगा। बाकी अब हाँ, अगर आप घर पे बनाते हो तो जैसे लाइक आप आटा वगैरह लेके आते हो, हॉस्टल वगैरह में बनाते हो, तो आपका हो जाएगा इसमें। बाकी देखो खाने की कोई लिमिट नहीं है, बाहर खाओगे एक्सपेंसिव पड़ेगा आपके, और वो फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये है, और बाकी जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी को कि स्टार्टिंग के अंदर जो है आप जो एक्सपेंसिस वगैरह हैं थोड़ा ज़्यादा लेके आओ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आते हो आप, तो फर्स्ट मंथ में थोड़ा होता है, आपको भी पता नहीं लगता कि कौन सा सामान कैसे खरीदना है, सुपरमार्केट का भी सारा हिसाब किताब देखना पड़ता है, तो वो फिर उस हिसाब से होता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको कि जो भी अभी आ रहे हैं, तो चाहे वो कपल आ रहे हो चाहे सिंगल स्टूडेंट आ रहे हो, तो आप जैसे भी आ रहे हो अपना जो एक्सपेंसिस वगैरह लेके आओ, एक्स्ट्रा लेके आओ, और कोशिश करना US डॉलर में आप लेके आओ, इंडिया से US डॉलर ले यहाँ पे कन्वर्ट कराओ, और फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह खुल जाते हैं। तो मतलब ये है, और किसी को भाई को जैसे एयरपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है
मतलब वाईफाई वगैरह कनेक्ट होते नहीं, फिर टैक्सी वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आपको मतलब एयरपोर्ट पे भी लेने आ जाएंगे, तो वो भी सिस्टम है अपने पास, तो वो कर रहे हैं। तो आप बताना और जो भी है, बाकी मेरे नंबर आ रहे हैं, आप मैसेज कर सकते हो कुछ भी हेल्प वगैरह चाहिए। देखो आप मैसेज वगैरह करते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी टाइम पे रिप्लाई दूँ, हो सकता है मैं उसी टाइम पे दे दूँ, लेकिन देखो मेरे को मेरा काम भी होता है तो सब कुछ देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से मेरे को रिप्लाई वगैरह भी देने पड़ते हैं। तो ये है, बाकी चलो आगे मिलते हैं, रशिया वगैरह दिखाते हैं आपको भी। और बाकी एक सरप्राइज़ आप सभी के लिए, जो मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, तो उसका मैं बताता हूँ सरप्राइज़ आप सभी कहोगे कि बहुत अच्छा हुआ, तो जैसे ही काम होता है मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत जो आगे अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी अच्छी आने वाली है, और वर्क वीज़ा की अपडेट वगैरह है वो भी जल्दी आएगी, वो मैं डालता हूँ वीडियो, तो वो नेक्स्ट वन आ जाएगी। तो ये था यार मेन कि आपका खर्चा वगैरह इतना रहता है, फर्स्ट मंथ में कोशिश करना 50,000 लेके आओ एक महीने का एक्स्ट्रा और एक महीने का, ताकि आप अपना काम वगैरह भी हो जाए और जो यूनिवर्सिटी वगैरह का भी हो जाए। तो ये है, बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया, बाय बाय।